अस्सलाम वालेकुम। आज की इजी शीजी की रेसिपी में मैं लेकर आ गई हूँ मज़ेदार से चॉकलेटी कुकीज़ स्टिक्स। तो जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए सबसे पहले हमने दो एग्स लिए हैं, ये दो बड़े साइज़ के एग्स हैं और रूम टेम्परेचर पे थे। साथ ही इसके साथ मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है 1 कप। इसके साथ ही हम ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप और इसके साथ ही हम वेनिला एसेंस यूज़ करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना, साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि जो शुगर है वो हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तकरीबन 2 मिनट बाद जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है तकरीबन 330 ग्राम। 330 ग्राम्स को अगर आप कप्स में मेजर करेंगे तो 2 कप्स प्लस 2/3 कप और ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। स्प्रिंकल्स मैंने ऐड किए हैं, अभी मैंने 1/2 स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं, लेकिन बाद में हम जब इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो 1/2 अपने उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि एक मार्बल सा टेक्सचर इसका क्रिएट हो जाए। पहले हम इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से जो है मिक्स करेंगे, इसे गूंदना नहीं है, मिक्स करना है ताकि वो एक तरीके से कंबाइन हो जाए। अब हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम अपनी जो स्टिक्स हैं वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से डो ले लिया है और इसको अपने हाथों की मदद से सारे स्टिक्स रेडी कर लेंगे। इस मिक्सचर से ऑलमोस्ट 24 स्टिक्स इस तरह की रेडी कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने 12 अरेंज कर दिए हैं। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था। अब यहाँ पर 170 डिग्री पे हम 20 मिनट्स के लिए उसे बेक होने के लिए रख देंगे। ट्वेंटी मिनट्स के बाद अब हमारे जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये देखें, और साइज़ में भी ये डबल हो चुके हैं। अभी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये नीचे से भी बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बने थे। और अब हम क्या करेंगे, इसे चॉकलेट के अंदर डिप कर लेंगे। 2 साइड इसको चॉकलेट के अंदर डिप कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से इसे चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा भी इसे चॉकलेट के अंदर डिप कर दें, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। चाहें तो आप इसको इससे जो है चॉकलेट से डिजल कर सकते हैं, चाहें तो आप चॉकलेट के ऊपर थोड़े से और स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से ये कुकीज़ रेडी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।